बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे नाइट क्रीम, वो भी सैंडलवुड पाउडर से घर पर। तो चलिए देख लेते बनाना कैसे है। ये हमारे चेहरे को ग्लो करेगा। अगर आपके स्किन पे पिंपल है और ब्लेमिश है और बहुत ज़्यादा जैसे दाग धब्बे हैं, तो ये सब चीज़ एकदम क्लीन कर देगा। तो इसको हमको बनाना कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। हम लेंगे सैंडलवुड पाउडर, आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपको कितना बनाना है उस हिसाब से लीजिएगा। मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। तो आप, मैं रेड वाला जो सैंडलवुड पाउडर होता है वो मैं ली हूँ, तो मैं 2 चम्मच लूँगी। दूसरी चीज़ मैं लूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से हम लोग मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ये लकड़ी है, जैसे ये थोड़ा पतला बनाओ फिर बाद में थिक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ही डालिएगा। फिर धीरे धीरे मिक्स करके अपना समझ लीजिएगा आगे क्या करना है। तीसरी चीज़ हम लोग डालेंगे, या तो आप बादाम का ऑयल ले लीजिए, या तो जो विटामिन ई का आता है 2-3 ड्रॉप वो ले लीजिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो छन्नी की मदद से छान लीजिएगा, या तो कपड़े की मदद से, तब और बारीक टेक्सचर होगा। मैं नहीं छानी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। हम मार्केट वाला ही ऐड करेंगे, घर का नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टोर करना है ना तो घर वाला जल्दी ख़राब हो जाता है, जो हम घर से प्लांट से निकाल के करते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद आप एक कांच की बोतल में रख लीजिएगा, शीशे की जो बोतल आती है उसमें रख लीजिएगा, या कोई भी आपके पास कंटेनर है तो उसमें रखिएगा। और ये मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे दिखने में पतली लग रही है, लेकिन फिर जब ये उसका पाउडर थोड़ा थिक हो, बाद में थिक हो जाता है, तो आप इसको रख लीजिए कंटेनर में और रात में लगा के सोइए। ये बिल्कुल बहुत ही हल्की है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली है या चिपचिप कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही हल्की है। आप लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके चेहरे पर कुछ लगा है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इंशाल्लाह। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना